देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। अभरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन यानी श्री राम जी के शरीर को देख करके असुर मनाव धरि धीर। सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं को मनाने लगी। अभरे बिलोचन प्रेम जल और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और पुलकावली शरीर और उनका शरीर पुलकित हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया अपने प्रभु राम के ऊपर, इसलिए वो अंदर से खुश हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। नीके निरखि नयन भरि शोभा अपितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा। आतात दारुनिहठ ठानी असमुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई अबुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा अकह श्यामल मृदुगात किशोरा। नीके माने अच्छी तरह नयन भर के नेत्र भर करके। नीके निरख नयन भरी शोभा अच्छी तरह आँख भर करके श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को और सीता जी ने देखा और खुश हो गई। कितनी सुंदर है, लेकिन लग गया यहाँ पर कि पितुपन सुमिर बहुरी मनु छोभा। लेकिन जब पिताजी के प्रण को याद किया, प्रण क्या था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह करेगा, इस प्रण को जब याद किया तो उनके मन में क्षोभ हो गया। क्योंकि बच्चों यहाँ पर तुलसीदास ने बहुत बढ़िया जीवन से संबंधित एक बात कही, हर आदमी के जीवन में सुख और दुख साथ साथ लगा है। तो यहाँ पर सीता जी के अंदर ये खुशी है कि रामचंद्र जी बहुत सुंदर, लेकिन दूसरे पल वो प्रण को याद करती हैं तो उनके अंदर दुख पैदा होता है और कहने लगती हैं कि आतात दारुण हट ठानी कि मेरे पिताजी ने तो बहुत ही कठिन प्रण कर लिया है और उन्होंने तो जो है समझा तो नहीं कछु लाभ हानि, उन्होंने लाभ हानि का भी सोच विचार नहीं किया। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा और कह श्यामल मृदुगात किशोर। सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री भी मेरे पिता के डर से भय सहित, मंत्री सचिव माने मंत्री भी मेरे पिता के डर से कोई सही सलाह नहीं दे रहे हैं और बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित हो रहा है ना। और कह धन कुलिसहु चाहि कठोरा, कुलिसहु माने होता है वज्र, यानी इंद्र का वज्र सबसे कठोर माना गया है। तो कह धन कुलिसहु, कहाँ ये वज्र से भी ज्यादा कठोर धनुष और कहाँ सांवला और कोमल ये किशोर शरीर वाले राम। अब विधि के ही बात धरो उर धीरा असिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के गति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तो। यहाँ पर जो है विधि के ही भात धरो उर धीरा, विधि माने होता है ब्रह्मा, हे भगवान विधाता, हे भगवान मैं किस प्रकार से अपने उर्माने हृदय में धैर्य धारण करूं। और जो है सिरस सुमन कन वेध्य हीरा, सिरस एक फूल का नाम होता। अच्छा फूल जो है ऐसे उंगली से उसकी पंखुड़ी को नोच दो तो नोच जाएगा। अगर कोई जो है सिरस के फूल को कहीं अगर जो है हीरे के कण से कोई छेद करता है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु माना गया और सिरस जो है एक फूल का नाम बहुत कोमल है, यानी उनके शरीर की तुलना यहाँ पर सीता जी ने सिरस के फूल से किया और धनुष की तुलना जो है यहाँ पर जो है हीरे के कण से किया है। और सकल सभा का मति भय भोरी, सकल माने पूरी सभा की
दिमाग जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब हम शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, शंभु माने शिव, चाप माने धनुष, हे शिव जी के धनुष, अब तो हमें तुम्हारे ही ऊपर भरोसा है। निज जड़ तालो गल पर डारी, ओहोई हरहूं होई हरहूं रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी बेस जुग सय समझाई, प्रभु ही चित अपुनी चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डो। यहाँ पर बच्चों निज चढ़ता लोगन पर डारी, या सीता जी शंकर जी के धनुष से मना रहे हैं कि लोगों की नजर में तुम बड़े बने रहो, लोगों की नजर में तुम बड़े बने रहो, वजनदार बने रहो, लेकिन मेरे श्री राम जी के जी को देख करके हो हर रघुपति निहारी, बिल्कुल हल्के हो जाओ, है ना। अति परिताप सीय मन माही, सीता जी के मन में बड़ा परिताप है, बड़ा दुख है। लव निमेश यानी एक सेकंड के हजारवें हिस्से को लव कहते हैं, है ना। आप जैसे माइक्रो और जो है पिको पढ़ते हो साइंस में, है ना, एक सेकंड के हजारवें हिस्से के भाग को जो है लव कहते, यानी वो लव भी एक युग के समान बीत रहा। बच्चों जब दुख का समय होता है ना तो समय जल्दी कटता नहीं है, और सुख का समय बड़ी जल्दी कट जाता है, तो यहाँ सीता जी के ऊपर दुख है, इसलिए सेकंड का हजारवां हिस्सा भी, वो समय हजारवां हिस्सा भी एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु चित पुनः चितव मही, भगवान राम को देखती हैं सीता जी, और फिर महिमा ने धरती की ओर देखती हैं, क्योंकि धरती से पैदा भाई सीता जी, इसलिए धरती की ओर देखती हैं। और राजत लोचन लोल, राजत माने बड़े अच्छे लगते हैं, उनके जो लोल लोचन लोल लोल है ना, जो वो उनके नेत्र की पंखुड़ी जब उधर इधर उधर इधर हिल रही है तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा मालूम देता है कि खेलत मन सिज, मन सिज माने कामदेव, है ना, ऐसा मालूम देता मन सिज माने कामदेव, है ना, ऐसा मालूम देता है कि जुग माने दो और मीन माने मछलियां, ऐसा मालूम देता है कि कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा के मंडल में खेल रही हो। तो बच्चों यहाँ पर मनु मानो जनु जानो ज्योत्यो, जहाँ ये छह अक्षर में कोई एक अक्षर आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बच्चों सीता जी की मानसिक विक्षिप्ति का वर्णन किया है तुलसीदास ने। भाषा अवधि रस यहाँ पर बच्चों करुण रस है, और जो है बच्चों गुड़ प्रसाद है। अब बच्चों वीडियो को शेयर कर देना जिससे सब बच्चों के पास पहुंच जाए, दूसरे बच्चों का भी फायदा देखा करो। धन्यवाद।